डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन का चैप्टर 12 चल रहा था अल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें बात कर ली थी फिनोल के रासायनिक गुणधर्मों में तीन प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ ली थी, उसी में आज बात करेंगे फिनोल की अम्लीयता के कारण। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना फिनोल की अम्लीयता के कारण, अम्लीयता के कारण पहला जो रीजन है वो देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू, अनुनाद प्रभाव के द्वारा। किस प्रकार से देखेंगे, देखें ये आपका फिनोल है, फिनोल में उपस्थित जो OH समूह है इस पर लोन पेयर उपस्थित होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें दो तो क्या है बंधी युग्म बॉन्ड पेयर है, शेष 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब दो क्या है लोन पेयर उपस्थित होते हैं। फिनोल में OH समूह के ऑक्सीजन पर लोन पेयर उपस्थित होता है, ये लोन पेयर क्या करता है इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन में होता है और अनुनाद के द्वारा किधर शिफ्ट हो जाता है, बेंजीन रिंग की तरफ स्थापित हो जाता है। तो अनुनादी संरचनाएं जब बनाते हैं फिनोल की, तो देखो यहाँ से बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हुआ, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीजन अपना दोनों लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, दोनों के बीच में क्या जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगी अनुनादी संरचना इसकी, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे दोनों के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर जनरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या जाएगा प्लस। जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे फिर अनुनाद करवाएंगे यहाँ से, तो ये बॉन्ड यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ से ये इन्वॉल्व यहाँ पे हो जाएगा, तो नेक्स्ट बन जाएगी आपकी इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे क्या है पॉजिटिव। नेक्स्ट रेजोनेंस हुआ, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में OH, ऑक्सीजन पे क्या है प्लस, यहाँ पे नेगेटिव। अब द्विबंध का संयुग्मन ऋणात्मक आवेश के साथ है, वापस रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगी आपकी ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी OH, यानी कि ये फिनोल की तीनों ही क्या कहलाती है अनुनादी संरचना कहलाती है, फिनोल की अनुनादी संरचना, फिनोल की अनुनादी संरचना। अब देखो यहां से आपने क्या देखा कि जो फिनोल है, फिनोल में उपस्थित OH समूह जो है उसमें ऑक्सीजन परमाणु पर क्या उपस्थित होता है लोन पेयर उपस्थित होता है, और ये जो लोन पेयर है इस बेंजीन रिंग के इन पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ किसमें होता है संयुग्मन में होता है, और अनुनाद प्रभाव के द्वारा ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो किधर विस्थापित हो रहा है बेंजीन रिंग की तरफ विस्थापित हो जाता है, तो OH समूह का ऑक्सीजन परमाणु क्या हो जाएगा धनावेशित हो जाता है, धनावेशित होगा तो OH बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट होने लग जाएंगे यहां से ऑक्सीजन परमाणु की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे, तो ये जो H प्लस है वो आसानी से बाहर निकल जाता है जो फिनोल की अम्लीयता को दर्शाता है। तो पहला रीजन क्लियर है कि फिनोल में उपस्थित OH समूह का जो ऑक्सीजन परमाणु है इस पर क्या उपस्थित होता है लोन पेयर, ये लोन पेयर किसके संयुग्मन में होता है बेंजीन रिंग के इन पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या होता है कंजुगेशन में होता है, और किसके थ्रू अनुनाद प्रभाव के द्वारा ऑक्सीजन का लोन पेयर किधर विस्थापित होता है बेंजीन रिंग की तरफ, बेंजीन रिंग की तरफ विस्थापित होगा तो OH समूह का ऑक्सीजन क्या हो जाएगा धनावेशित हो जाएगा। अब OH समूह का धनावेशित होगा तो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पे आकर्षित होने लग जाएंगे ऑक्सीजन परमाणु की तरफ, हाइड्रोजन जो है वो एच प्लस आयन के रूप में आसानी से बाहर निकल जाता है जो उसके अम्लीयता को दर्शाता है। तो ये है आपकी फिनोल की अनुनादी संरचना। इसी प्रकार से यहाँ पे 2016-17 में क्वेश्चन पूछ लिया था एनिसोल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए, क्वेश्चन है एनिसोल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए, एनिसोल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। तो देखो यहां से एनिसोल का मतलब ये होता है कि आपका जो वो OH, इस H की जगह यहां पे क्या जुड़ जाएगा CH3, इसका नाम क्या होता है एनिसोल,
CH3 की जगह यदि आपने इथाइल ग्रुप जोड़ा है OC2H5, इसका नाम होता है फेनिटोल। तो एनिसोल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। तो सेम ऐसे कैसे बन जाएगी, जहां पे आपने H लिया है उसकी जगह क्या कर देना है आपको CH3, तो ये तो क्या बन जाएगा एनिसोल, और यदि आपने C2H5 किया है तो क्या बन जाएगा आपका फेनिटोल। तो इस प्रकार से फिनोल की अम्लीयता को शो करते हैं, ये है आपकी एनिसोल और फेनिटोल की अनुनादी संरचना। अब नेक्स्ट रीजन में कह रहा है इसी में कि फिनोल जो है आपका, फिनोल में OH समूह, ये आपका फिनोल है, फिनोल में उपस्थित जो OH समूह है, अब आपको पता है बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है वो sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। इस कार्बन परमाणु का संकरण क्या है, sp2 संकरित कार्बन। फिनोल में OH समूह sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। अब ये sp2 संकरित कार्बन जो परमाणु है इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है, sp2 संकरित कार्बन इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है विद्युत ऋणता क्या हो जाती है अधिक। sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, sp2 संकरित जो कार्बन है उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है अधिक। जब अधिक होती है तो ऑक्सीजन जो परमाणु है इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या हो जाता है कम, तो H बंध की क्या हो जाएगी ध्रुवणता बढ़ जाएगी और H प्लस आयन आसानी से बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है एवं OH बंध की ध्रुवणता बढ़ जाती है, एवं OH बंध की ध्रुवणता बढ़ जाती है। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, और जब ध्रुवणता बढ़ जाएगी तो H है वो हाइड्रोजन है वो H प्लस आयन के रूप में बाहर निकल जाता, हाइड्रोजन H प्लस आयन के रूप में आसानी से निष्कासित हो जाता है, आसानी से निष्कासित हो जाता। फिनोल है, फिनोल में उपस्थित जो OH समूह है उससे जुड़ा हुआ होता है, sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, इस sp2 संकरित कार्बन जो होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है, इसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इस ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, OH बंध की पोलैरिटी ध्रुवणता है बढ़ जाती है और H प्लस जो है आसानी से बाहर निकल जाता है, जो फिनोल की अम्लीयता को दर्शाता है। तो यानी कि यहाँ पे यही लिख रखा है फिनोल की अम्लीयता में कि फिनोल जो है उसमें उपस्थित जो OH समूह है उस पर लोन पेयर उपस्थित होता है, ये लोन पेयर जो है बेंजीन रिंग के इन पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन में होता है और अनुनाद प्रभाव के द्वारा ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन वाले की तरफ विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन जो परमाणु है वो धनावेशित हो जाता है, OH बंध के जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो जाते हैं, हाइड्रोजन जो है वो आसानी से H प्लस आयन के रूप में बाहर निकल जाता है। इससे फिनोल की अनुनादी संरचनाओं के रूप में निम्न प्रकार से शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेगी, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए, इस प्रकार से बनानी है। 2016-17 में क्वेश्चन पूछा था एनिसोल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए, तो यानी कि एच की जगह आपको क्या लगाना है यहाँ पे CH3। इसी प्रकार से अपन को पूछ ले फेनिटोल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए, तो CH3 की जगह क्या करना है आपको C2H5। नेक्स्ट बिंदु में बात किए कि फिनोल, ये भी 2016-17 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर आते हैं एक एक नंबर के उनमें पूछा था कि फिनोल का OH समूह है वो कौन से संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, तो आंसर था
sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, और ये जो sp2 संकरित कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है। इसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या हो जाता है कम, OH बंध की जो ध्रुवणता बढ़ जाती है और हाइड्रोजन जो है वो H+ आयन के रूप में आसानी से बाहर निकल जाता है, जो इसके अम्लीयता को दर्शाता है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।